हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल वेल्डेज अकेडमी। हम लोग आज की इस क्लास में, जो कि मेरा क्लास नंबर 15 होगा, अभी तक हम लोग जो है वो 14 नंबर तक क्लास कर चुके हैं, यानी कि जितने भी टॉपिक हैं कम्प्लेक्स नंबर का, चाहे वो रियल नंबर हो, इमेजनरी हो, अल्ट्रा का कंसेप्ट हो, प्योरली इमेजनरी हो, प्योरली रियल नंबर हो, कम्प्लेक्स नंबर हो, या फिर मॉडुलस हो, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस हो, आर्ग्यूमेंट हो, प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट हो, कंजुगेट हो, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट हो, स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर हो, या फिर कार्टेशियन फॉर्म हो कम्प्लेक्स नंबर का, या फिर पोलर फॉर्म हो, ये सारा चीज़ हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस जो है वो हम लोग कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं, और इसके बाद मिसलिनियस एग्जाम्पल जो थी हमारे टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में, वो भी हम लोगों ने करीब करीब सॉल्व कर चुका है। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग आज का जो क्लास है वो बहुत ही खास है, और वो है मिसलिनियस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो उम्मीद है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है वो सॉल्व करने का हम लोग जो है वो मोटिव रखते हैं कि 1 to 10 हम लोग सॉल्व आज कर लेंगे, लेकिन देखता हूँ क्या होता नहीं होता। अगर क्लास का वीडियो का जो लेंथ है वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो काफ़ी लोग जो है वो देखना पसंद नहीं करते हैं, चूँकि काफ़ी वीडियो का लेंथ अगर ज़्यादा हो जाता है तो, चूँकि काफ़ी लेंथी वीडियो भी लोग पसंद नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग एक नॉर्मल एवरेज जो समय चलता है वही हम लोग आज भी ले जाएंगे, और देखता हूँ कि उस समय के अंदर कितना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाता है। बेसिकली आपको थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा कि आज कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है बेसिकली। तो फिर हम लोग डायरेक्ट टाइम को वेस्ट ना करें और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, और मिसलिनियस एक्सरसाइज का जो कम्प्लेक्स नंबर का है वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। i to the power 18 plus i to the power 18 plus 1 by i to the power 25 और इस पे होल पावर है कितना, 3 है। अच्छा, होल पावर 3 है। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोगों ने करीब करीब एक्सरसाइज 5.1 में हम लोगों ने देखा है ना, और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं कि i पे पावर चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको यहाँ से 5-6 वैल्यू i का जो है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला जो है वो i टू दी पावर अगर 0 रहता है तो 1 होता है, i पे पावर 1 यानी कि i का स्क्वायर होता है अल्फा का स्क्वायर तो वो -1 होता है, i क्यूब का वैल्यू -i होता है, और i पे पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। करीब करीब ये 5 वैल्यू जो है वो अल्फा का 5 वैल्यू जो है वो आपको कम से कम याद रखनी चाहिए, क्योंकि जितने भी काम होते हैं वो करीब करीब यही वैल्यू से होते हैं, ठीक है। तो मैंने तो खैर उस चीज़ को जो है वो प्रूफ भी कराया है कि i क्यूब का वैल्यू -i ही क्यों होता है, i पावर 4 का वैल्यू 1 ही क्यों होता है, ये सारा चीज़ तो वहाँ पे जो है वो डिटेल है, लेकिन यहाँ पर जो है वो केवल आप इतना याद रखें। और इसके बाद ये जो पावर 18 है, मैंने आपको बताया कि i पे पावर चाहे जो मर्जी आप यहाँ पर देख लो, लेकिन पावर 4 के मल्टीपल में उसको तोड़ने का प्रयास करो। तो पावर 18 है तो आप इसको पावर 4 में आप इसको ब्रेक करें, तो अगर यहाँ पर पावर 4 में अगर मैं ब्रेक करूँगा तो ये कितना होगा, तो 4 4 16 हो गया, 4 4 16 तो कितना बच गया, 18 है, यानी कि 2 बच गया, यानी कि इंटू आई का अगर स्क्वायर कर देंगे तो बेस सेम है, 4 4 16 + 2 18 यहाँ हो गया। इसके बाद यहाँ पर आ जाए, यहाँ हो गया ये कितना, 1 by i to the power 25 आया ना, 1 पे पावर 25 कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये होल पावर ये है यहाँ पर 3। अब i पे पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, और 1 पे पावर 4 1 होगा, और इंटू आई स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर हो गया, प्लस 1 by i पे पावर 25। अब इसको भी आप 4 के मल्टीपल में इसको ब्रेक करने का कोशिश करें, तो ये i पे पावर 4 इंटू 6, ताकि ये 6 6 24 हो जाए, यानी कि 24 हो गया, 6 4 24, और अब यहाँ पर 1 बच गया है, तो इंटू में अगर i कर दूंगा तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऑब्वियसली भी जुट जाएगा, ठीक है। तो पावर हमेशा यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है होल पावर, फिर यहाँ पर है 3। इसके बाद i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो यहाँ पर ये हो गया -1 प्लस 1 by, ये तो वैल्यू तो मेरा ले लेके 1 हो गया, क्योंकि i पावर 4 का वैल्यू ही 1 होता है, तो एक बार उसका ड्रॉप 1 ही होगा, और नीचे में जो है वो i होगा, और इसका होल क्यूब होगा। इसके बाद यहाँ से ये देखें कि -1 है, प्लस है 1 by। अब नीचे में मैंने आपको बताया कि नीचे में अगर i होता है तो आप उसको आपको जो ट्राई करना है वो ये करना है कि नीचे में i पे पावर यहाँ पर 1 है, और आप इसको कैसे भी करके i पे पावर 4 लाने का कोशिश करें। तो i पे पावर 4 यहाँ पर आएगा कैसे, यहाँ पर i है
इसको यानी कि आई क्यूब से इंटू भी कर दो, आई क्यूब से डिवाइड भी कर दो। देखो तो नीचे पर पावर फोर आ गया, नीचे में पावर फोर केवल आना चाहिए, क्योंकि नीचे पावर फोर अगर आ जाएगा मेरा तो उसका वैल्यू जो होगा मेरा वो हो जाएगा मेरा वन, ठीक है, और इसी का होगा मेरा होल क्यूब। तो ये हो गया माइनस वन और प्लस, और आई क्यूब का वैल्यू जो होता है वो होता है माइनस आई, तो यानी कि इसका वैल्यू अपन माइनस आई होगा तो ये होगा माइनस आई, और इसी पर पावर मिलेगा होल क्यूब, ठीक है, इसी पर पावर क्या रहना है मेरा होल क्यूब। इसके बाद यहाँ पर हो गया कि माइनस वन माइनस आई का होल क्यूब। अब यहाँ पर जो है वो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू में ए माइनस बी, फॉर्मूला तो यही होता है। तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, माइनस वन का होल क्यूब करेंगे तो ये कितना होगा माइनस वन, इसके बाद माइनस, ठीक है, इसके बाद माइनस बी क्यूब, माइनस बी बी यानी यहाँ पर आई है तो आई का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस थ्री इंटू माइनस वन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इंटू में आई है तो इंटू आई करेंगे तो आई हो जाएगा, इंटू में ए माइनस बी, इंटू में ए माइनस बी, ये ठीक है, बिल्कुल केवल आपको फॉर्मूला में जो है वो पुट कर देना है माइनस वन और माइनस आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई, तो माइनस आई और माइनस एक अलग से है तो प्लस आई हो जाएगा, और यहाँ पर ये इंटू करके होगा ये माइनस थ्री आई, माइनस थ्री आई होगा और इसे इंटू होगा तो ये हो जाएगा माइनस थ्री आई स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा माइनस आई माइनस टू आई होगा, और ये हो गया प्लस थ्री, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, माइनस वन से इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस थ्री। अब प्लस थ्री में से एक चला गया ये बच गया टू, यानी कि टू माइनस टू आई होगा, ये हो गया आपका आंसर टू माइनस टू आई होगा। इसको भी आप नोट करें जल्दी से, है ना, चलिए चलिए नोट हो चुका है, नहीं हुआ है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आपको नोट करना है। चलिए आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर टू है, और वो है कि फॉर एनी टू कंप्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू प्रूव दैट की आर ई यानी कि रियल नंबर जेड वन इंटू जेड टू ये इक्वल टू होता है रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड टू, ये चीज आपको प्रूव करना है बिल्कुल सही। अच्छा, और माइनस में है इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू, ये है क्वेश्चन बिल्कुल यही है। हाँ, ये चीज आपको करना है, ठीक है, यानी कि कोई भी कंप्लेक्स नंबर हम लोग ले रहे हैं जेड वन और जेड टू, और आपको सो दैट करना है कि ये इसका जो रियल पार्ट होगा जेड वन इंटू जेड टू का वो इक्वल टू होगा जेड वन का रियल पार्ट इंटू जेड टू का रियल पार्ट माइनस इमेजनरी पार्ट जेड वन का और इंटू में जेड टू का इमेजनरी पार्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि हम लोग जेड वन भी कोई एक कंप्लेक्स नंबर मान लेते हैं और जेड टू भी हम लोग एक कंप्लेक्स नंबर, कोई भी कंप्लेक्स नंबर मान लेते हैं। तो जेड वन हम लोग मानते हैं कि एक्स प्लस आई वाई है, या फिर यू मानते हैं कि ए प्लस आई बी, ए प्लस आयोटा बी, और ये है सी प्लस आयोटा डी, ये दो कोई अलग अलग कंप्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब यहां से रियल पार्ट अगर हम लोग निकालें जेड वन का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ जेड वन यहां से हो जाएगा ए, अच्छा रियल पार्ट ऑफ जेड टू निकालेंगे तो वो हो जाएगा सी, हाँ ना, जेड टू का रियल पार्ट सी। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे अगर हम लोग इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन तो वो हो जाएगा बी, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा डी, वो कितना हो जाएगा डी, क्योंकि इसका इमेजनरी पार्ट डी ही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि रियल पार्ट और इंटू में इमेजनरी पार्ट दोनों, सॉरी जेड वन इंटू जेड टू निकालेंगे यहाँ से, तो जेड वन कितना है ए प्लस आई बी, और इंटू ये है सी प्लस आल्टा डी। अब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी, प्लस इसे होगा तो ये हो जाएगा आई बी सी, इसे होगा ये तो आई डी ए हो जाएगा, और प्लस इसे होगा तो ये हो जाएगा बी डी, लेकिन प्लस का नहीं माइनस का, क्योंकि आई इस पर का वैल्यू माइनस होगा और ये हो जाएगा माइनस बी डी, यानी कि ये हो जाना है ए सी माइनस बी डी, प्लस आयोटा को अगर हम लोग यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ये बी सी प्लस डी ए बन जाएगा, हाँ ना। इसके बाद इतना बचने के बाद हम लोग यहाँ से ये जेड वन इंटू जेड टू है, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू कितना आया, तो रियल पार्ट इसका आया है ए सी माइनस
BD, और यहीं से इमेजनरी पार्ट, सॉरी इमेजनरी पार्ट का क्या काम, केवल तो यही निकाला ना। हाँ, तो अब रियल पार्ट यहाँ से हम लोग निकाले Z1 इंटू Z2 का, तो वो मेरा इतना निकला, ठीक है, ये इतना निकला। और इसके बाद रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये फिर हम लोग यूँ यहीं से कहेंगे कि ये जो A है, ये A बराबर है रियल पार्ट ऑफ Z1, तो ये A बराबर है रियल पार्ट ऑफ Z1 का, इंटू ये C इक्वल टू है रियल पार्ट ऑफ Z2, तो ये C रियल पार्ट ऑफ Z2 का इक्वल टू है, माइनस ये B क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, ये B क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और इंटू ये D क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यानी कि यहाँ से ही ये चीज क्लियर हो गया कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये इक्वल टू होता है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। तो यहाँ से क्या है ना कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ से एज्यूम कर लेना है, और उस चीज के वो चीज करने के बाद केवल जो चीज कहा गया है वो चीज आपको केवल करते जाना है, वो आपका जो प्रूफ है वो आपके सामने होगा। चलिए इसको भी नोट कीजिए, चलिए नोट हो चुका है, नहीं हुआ फिर को पॉज करके नोट करना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 upon 1 minus 4 iota minus 2 upon 1 plus iota इंटू में 3 minus 4 iota इंटू में 3 minus 4 iota अपॉन में 5 plus iota। और इस चीज को आपको क्या करना है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, आपको इस चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए मैंने आपको कहा कि अगर नीचे में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है तो इसी के कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर देने के बाद वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है, जैसे कि यहां पर भी नीचे है 1 minus 4 iota, तो इसी का कंजुगेट यानी कि 1 plus 4 iota और नीचे भी 1 plus 4 iota से इंटू कर दीजिए, ये हो गया। इसके बाद ये है माइनस, माइनस है फिर है 2 अपॉन में, नीचे है 1 plus iota, तो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि इसके कंजुगेट से आप इसको इंटू कर दें, ये हो गया। और फिलहाल ये दोनों जो है वो एक ब्रैकेट में है, और इसके बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट होता है और वहां पर है 3 minus 4 iota अपॉन में है 5 plus iota, तो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसको उसके एक कंजुगेट से इंटू कर दीजिए, ये हो गया है ना। उसके कंजुगेट से इंटू करने का मतलब हो गया कि इमेजनरी पार्ट के आगे में साइन चेंज कर दो, वही हो गया उसका कंजुगेट, ये बातें हो गई। इसके बाद ऊपर में 1 into 1 plus 4 iota होगा तो 1 plus 4 iota होगा, और नीचे a माइनस b a प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होगा, और माइनस b का होल स्क्वायर, तो 4 iota का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और इसके बाद i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होगा, और माइनस 1 16 में इंटू करेंगे यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया एक चीज। दूसरा यहाँ पर माइनस है, इसके बाद है 2 into 1 minus iota हो जाएगा, इंटू नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस b का स्क्वायर यानी कि माइनस b का स्क्वायर i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, हेंस ये हो गया यहाँ पर प्लस 1। इतना तो समझते हो ना। इसके बाद ये है फिलहाल एक ब्रैकेट में, अगला है ये बात। अब यहां पर क्या होगा कि इंटू होगा, इंटू कैसे होगा, ये 3 minus 4 iota को 5 minus iota से इंटू करना है, तो 3 को करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 15, माइनस 5 को करेंगे 4 iota से तो ये हो जाएगा 20 iota, इसके बाद माइनस i को करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा माइनस 3 iota, और माइनस iota करेंगे से तो ये हो जाएगा हाँ प्लस, प्लस 4 iota स्क्वायर, और iota स्क्वायर का वैल्यू हो गया माइनस में माइनस 1 तो ये हो गया माइनस 4, और अपॉन में नीचे हो गया 5 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहां पर जो है वो हो गया 1 प्लस 4 आयोटा बाय 17 माइनस, यहां पर ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन में 2, और इसके बाद यहां पर हो गया 15 माइनस 4 करेंगे तो ये हो गया 11 माइनस 23 आयोटा, और नीचे हो गया 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 1 चूंकि नीचे में आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है और माइनस प्लस होकर के प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आना है 17, यहाँ पर हो गया 1 प्लस 4 आयोटा माइनस, अब ये 17 यहाँ इंटू होने होगा बेसिकली, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 17 और ये माइनस यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 17 आयोटा, हाँ चूंकि 17 यहाँ पर इंटू होगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के इसको प्लस में चेंज कर देगा और 17 इंटू आई यानी कि 17 आयोटा हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया 11 माइनस 23 आयोटा और अपॉन में 25 प्लस 1 26 अपॉन में 26 इतना हो गया। इसके बाद ये माइनस 17 एंड प्लस 1, तो माइनस 17 प्लस 1 करेंगे तो ये माइनस 16 होगा, ये हो गया माइनस 16 और ये प्लस 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 और 17 और प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 21 आयोटा अपॉन में ये हो जाएगा 17, ये हो गया एक कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हो गया यहाँ पर 11 माइनस 23 आयोटा अपॉन में 26, ये हो गया यहाँ पर दूसरा कम्प्लेक्स नंबर। अब क्या करना है, इसको केवल आपको इंटू करना है, आपका रिजल्ट जो है वो आपके सामने होगा तो केवल अब यहाँ से इंटू करना है। चलिए हम लोग करते हैं, चलिए हम लोग क्या करेंगे ना कि इंटू करके हम लोग टाइम को खराब नहीं करेंगे, ठीक है हम लोग इंटू करके टाइम को खराब नहीं करेंगे, उसको हम लोग उसको हम लोग जो है वो शॉर्ट में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर माइनस 16 इंटू 11 करेंगे तो ये कितना होगा, माइनस 16 इंटू 11, तो ये बेसिकली मैं आपको बता दूं माइनस 176 होगा, ठीक है माइनस 176। इसके बाद इसी 11 से 21 को करेंगे हम लोग इंटू तो ये हो जाएगा प्लस 21 को करेंगे 11 से इंटू तो ये हो जाएगा 231 आयोटा, 231 आयोटा, क्या ये इंटू सही है, हाँ ना सही है। इसके बाद ये जो 23 है 23 आयोटा इसको इंटू करेंगे माइनस 16 से तो माइनस इंटू माइनस ये तो प्लस हो गया और इन दोनों को इंटू करने के बाद 368 आयोटा आता है, 368 आयोटा आएगा। इसके बाद बच गया 23 आयोटा माइनस 23 आयोटा एंड प्लस 21 आयोटा और इसको इंटू करने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो बेसिकली 483 आ रहा है, ठीक है इस दोनों को इंटू करने के बाद 483 आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये प्लस है इंटू माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया लेकिन आई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो यहां पर माइनस 1 हो जाएगा और इसीलिए वहां पर जो है वो चीजें प्लस हो गई है। और नीचे में 26 इंटू 17 करोगे तो ये आपको मिलेगा 442 यानी कि 442 ये आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए ये दोनों हो गया इसका रियल पार्ट और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट, तो यानी कि 483 में से आपको माइनस कर देना है 176 और अपॉन में कर देना है 442, ये हो गया आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपका हो गया 231 प्लस 368 बाय 442 आयोटा, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप इसको माइनस करने जाओगे तो देखते हैं माइनस करके कितना होता है, ये हो जाएगा आपका एक मिनट में आई चेंज कर लो 307 बाय 442 बाय 442 ये हो गया इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी कितना होगा तो ये हो जाएगा ये 599 अपॉन में 442
अपॉन में 442 आयोटा, ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहां से जो है वो रियल पार्ट हो गया 307 बाय 442 और प्लस इमेजिनरी पार्ट हो गया यहां पर 499 अपॉन 442। ठीक है, तो फाइनली उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो यही आएगा। मैंने क्या किया कि केवल यहाँ पर जो इनटू का जो स्टेप था उसको हम लोग क्या किए कि शॉर्ट में ही कर लिए। ठीक है, बेसिकली ये बहुत बड़ा बड़ा इनटू है, 16 × 11 फिर 21 × 11 फिर 23 × 16 फिर 23 × 21 और फिर 17 × 26, तो इनटू तो आपको करना आता ही होगा। सिंपल केवल इनटू करके जो है वो ये रिजल्ट जो है वो सामने आ गया। ठीक है, इंटू करने के बाद यहाँ से जो है ये दोनों हो गया इसका रियल पार्ट, ये सेपरेट कर लिए, और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट, इसको मैंने यहाँ से सेपरेट कर लिया। इसके बाद ये आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलिए इसमें अपना नोट कीजिए, चलिए ये चीज नोट हो चुका है, नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, x माइनस आल्टा वाई इज इक्वल टू रूट अंडर a माइनस आल्टा बी c माइनस आल्टा डी, यही है। हाँ, इसके बाद आपको प्रूफ करना है, आपको दिख ही रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये चीज आपको प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये चीज आपको यहां पर प्रूफ करना है। अब आपको यहां से दिमाग लगाना है कि ये चीज कैसे प्रूफ हुआ है, कैसे ये चीज प्रूफ किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये रियल पार्ट का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा और प्लस में इमेजिनरी पार्ट का आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, तो ये चीज कैसे करने से होगा, तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर करने से ही ये चीज होने वाला है। चलिए हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो एक तरफ तो है x माइनस आई आल्टा वाई का होल स्क्वायर और इधर में स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस आल्टा बी और c माइनस आल्टा डी, इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और b का जैसे स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा y स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा वो आल्टा स्क्वायर, आल्टा स्क्वायर वाली माइनस वन यानी कि ये हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, और फिर होगा माइनस टू ए बी यानी कि टू एक्स वाई आल्टा इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी, ये हो गया। अब की बात क्या करना है कि नीचे में मैंने कहा कि कंप्लेक्स नंबर होता है तो उसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोग इंटू कर देते हैं, तो ऊपर भी हम लोग इंटू कर देते हैं नीचे वाले के कंजुगेट से और डिवाइड भी उसी से हम लोग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस आयोटा टू एक्स वाई इज इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी, फिर ये हो जाएगा माइनस आयोटा डी ए, इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा बी सी और इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस डी बी प्लस डी बी। ठीक, नीचे क्या हो जाना है, नीचे पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद यहां से हम अगर सेपरेट करना चाहेंगे रियल पार्ट को तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी, ये हो गया इसका रियल पार्ट और प्लस माइनस आल्टा का हम लोग कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा डी ए प्लस बी सी, ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी रह गया सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आल्टा टू एक्स वाई। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे ना कि इसको हम लोग इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, इक्वेटिंग, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट,
रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को यहां से क्या करना है आपको इक्वेट कर लेना है। इक्वेट जैसे ही करेंगे तो इसका रियल पार्ट तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये इक्वल टू है ए सी प्लस बी डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। और इमेजनरी पार्ट अगर हम यहाँ से इक्वायर करेंगे तो टू एक्स वाई इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ये वाला हो गया यानी कि डी ए प्लस बी सी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर ये हो गया इसका इमेजनरी पार्ट। तो ये हो गया रियल पार्ट और वो हो गया उसका इमेजनरी पार्ट यहां से जो है वो इक्वेट भी हो चुका है। इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से है और स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कैसे निकालते हैं वो जो है वो कुछ कुछ इसी तरह से था। ठीक है इसके बाद यहां से देखिए कि ये ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग करने जाएंगे तो ये क्या होगा कि ए स्क्वायर होगा प्लस का बी स्क्वायर होगा और यहां पर ये हो जाएगा माइनस टू ए बी और माइनस टू ए बी और यहां पर ये फिर माइनस फोर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर रहेगा तो ये फिर जुट करके जो है वो बना देगा ये प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। चूंकि यहां पर अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पावर फोर हो जाएगा ये वाई पावर फोर हो जाएगा और ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा अच्छी बात है और इसके बाद ये सॉरी ये होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर फोर प्लस वाई पे पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर और माइनस फोर एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर। ठीक है तो यहां पर इसको हम लोग देखेंगे तो ये इक्वेट कब हो रहा है तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है। अब यहां पर मेरे को प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर लाना है तो ये कब आएगा जबकि ये रहेगा चीज प्लस में तो जब ये चीज प्लस में रहेगा तो फिर ये प्लस माइनस माइनस और माइनस हो करके ये जो है वो टू एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर में ये चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग अब ये चीज लिख सकते हैं तो इस चीज को हम लोग ये चीज भी लिख सकते हैं। ठीक है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ये चीज हो जाएगा। ठीक है और इस चीज को मैंने आपको प्रूफ भी कराया था उस समय जब मैंने आपको पढ़ाया था कि स्क्वायर रूट का कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है तो फिर ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर लेंगे और फाइनली जो है वो प्रूफ भी बेसिकली इसी के इक्वल टू करना है। तो देखते हैं कि इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर इसको रख करके इसका स्क्वायर कर देंगे यानी कि ए सी प्लस बी डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देना है और फोर टू एक्स वाई है तो टू एक्स वाई को देखने से आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसी चीज का होल स्क्वायर यहां पर कह रहा है टू का स्क्वायर फोर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कहीं ना कहीं इसी का होल स्क्वायर जो है वहां पर है यानी कि इसका होल स्क्वायर कर देना है किसका होल स्क्वायर जी डी ए प्लस बी सी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर इसी बात को जो है यहां पर होल स्क्वायर कर देना है। अब क्या होगा ऊपर तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे भी लेकिन नीचे वाला चीज जो है हम लोग उसी तरह से रखेंगे कैसे रखेंगे ऐसे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे और जो ये ऊपर है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आप इसको ब्रेक कर लें ये फिर जैसा आप याद किए हो वैसे तो पहले वाले का होल स्क्वायर होगा यानी कि ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर होगा प्लस टू ए सी बी डी यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा यहां पर टू ए बी सी डी ऐसा है ना। फाइनली जो है वो ये आपके सामने आया होगा कि यहां भी प्लस टू ए बी सी डी हो गया और वहां भी प्लस टू ए बी सी डी हो गया ऐसे कैसे हो सकता है कहीं तो मिस्टेक है कहां मिस्टेक है भाई चलिए आप लोग मुझे कमेंट करिए ओ ओ ओ ओ ये हो गया इंटू में ए सी ठीक
ये इससे इसको इंटू करेंगे, ओ माई गॉड ये माइनस, नहीं नहीं ठीक है, ये जो ए से इंटू मैंने किया सी को तो ये हुआ ए सी, अच्छी बात है। और इस ए को हम लोग इंटू करेंगे आई डी से, यानी कि आयोटा बी डी से, तो ये तो होगा प्लस आयोटा डी ना होगा, प्लस आयोटा डी हो जाएगा। अच्छा यही पर मिस्टेक था, फिर मैं सोचूं कि ऐसे कैसे, ये हो जाएगा प्लस आयोटा डी ए। तो यहाँ पर प्लस अगर हम लोग कॉमन करेंगे या फिर हम लोग माइनस नहीं कर कॉमन करते हैं तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस डी, हाँ ठीक, हाँ माइनस डी ए हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस बी सी, तो ये हो गया माइनस डी ए और प्लस बी सी। और माइनस डी ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो डी ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का भी ठीक है, और इंटू में हम लोग यहाँ करेंगे तो डी ए के आगे में चूंकि माइनस है ये भी हो जाएगा माइनस। अब की बार ये कट गया है ना, तो फाइनली क्या बच गया, ए सी का होल स्क्वायर, बी डी का होल स्क्वायर प्लस डी ए का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक काम कीजिए कि अगर हम लोग यहां से सी स्क्वायर को कॉमन कर लें, सी स्क्वायर को कहां कहां से, यहां से और यहां से, तो सी स्क्वायर हो गया कॉमन, यहां क्या बच गया ए स्क्वायर, यहां पर क्या बच गया प्लस का बी स्क्वायर। यहां से आप लोग जो चीज कॉमन दिख रहा है कि डी स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, तो ये बच गया ए स्क्वायर और इधर बच गया ये बी स्क्वायर, है ना, यहां पर ये बच गया ए स्क्वायर, यहां पर ये बच गया बी स्क्वायर, और नीचे में है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो यहां पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा एक फैक्टर, और एक फैक्टर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो एक सी स्क्वायर डी स्क्वायर तो इससे कट गया, तो बाकी बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस, ये आर एच एस इक्वल टू हो गया, और ये चीज जो है वो प्रूफ भी हो गया। ठीक है, ये बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से ये क्वेश्चन था, और वहां पर हम लोग जो है वो इसी तरह से पहले स्क्वायर करके और फिर इसको इक्वेट कर लेते हैं, और इक्वेटिंग के बाद जो है ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके और इसको जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रूफ था ना, ये बेसिकली प्रूफ नहीं, बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट ही निकालना था। ठीक है, और क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही था स्क्वायर रूट वाला, तो आप इसको नोट कीजिए फाइनली। चलिए हो गया नोट, नहीं किए हुए हो तो पॉज करके नोट करोगे। नेक्स्ट है आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5, और वो कह रहा है कन्वर्ट कर रहा है पोलर फॉर्म में। अच्छा, 5 का 2 दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। जो पहला पार्ट है वो f1 plus 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये है पहला। इसके बाद इसी को आपको चेंज करना है इसमें पोलर फॉर्म में, बिल्कुल सही, इसी को आपको चेंज करना है पोलर फॉर्म में, करते हैं। ऊपर में है ये 1 प्लस 7 आयोटा, नीचे में ये जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 2 ए बी तो 4 आयोटा हो गया, यानी कि ये हो गया 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 3 माइनस 4 आयोटा। अब नीचे में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ जाता है, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो फिर उसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप इसको इंटू कर लें, तो इसी का कंजुगेट से, नीचे वाले का कंजुगेट से ऊपर भी इंटू और नीचे भी इंटू, ऊपर कितना हो जाएगा कि 3 से 1 को इंटू करेंगे तो 3, इसे करेंगे तो 21i यानी 21 आयोटा प्लस ये हो जाएगा 4 आयोटा, और 7 से इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 28i स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1 और हेंस ये हो गया माइनस। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि 9 प्लस 16। अब यहाँ से रियल पार्ट को अगर हम लोग यहाँ से देखें तो माइनस 28 और प्लस 3 यानी कि माइनस 20
माइनस 25 हो गया और इमेजिनरी पार्ट यहां से हो गया 25 आयोटा और नीचे भी हो गया ये 25, यानी कि यहां से हम लोग 25 को अगर कॉमन कर लूं तो ये माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन में 25 ये कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस 1 प्लस आयोटा ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको अब आपको चेंज करना है पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म को हम लोग किसी भी कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं वो मैंने आपको डिटेल से बता करके रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप देख सकते हो ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। दूसरी अच्छी बात कि कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर में कन्वर्ट करते हैं और उसका जो सॉर्ट है वो क्या है ठीक है, सॉर्ट यानी कि इसको हम लोग इजीली बाय ट्रिक ठीक है ट्रिक से के सहारे इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो चूंकि वो प्रोसेस में बहुत लेंदी है और वो प्रोसेस जो है काफी लेंदी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जेड इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा और हम लोग इसका यूज करेंगे। तो कहा जाता है कि जो रियल पार्ट का स्क्वायर है और प्लस इमेजिनरी पार्ट का आप पहले स्क्वायर कर दो, यानी कि माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दो और प्लस इमेजिनरी पार्ट का यहाँ पर ये 1 है स्क्वायर करके और उसका रूट कर दो, यानी कि ये हो गया 1 प्लस 1 यानी कि ये हो गया रूट 2, रूट 2 हो गया, जो भी नंबर आया रूट 2 उससे इस नंबर को इंटू भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, यानी कि रूट 2 से इंटू भी कर दो रूट 2 से डिवाइड भी कर दो माइनस 1 प्लस आयोटा। अब जो चीज इंटू है उसको तो बाहर ही रहने दो और जो चीज डिवाइड में है उसको आप अंदर ले जाओ कुछ ऐसा, ये हो गया। इसके बाद रूट 2, अब आपको दिमाग ये लगाना है कि 1 बाय रूट 2 कॉस कितने रेडियन का वैल्यू होता है, माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 कॉस कितने रेडियन का वैल्यू होता है और 1 बाय रूट 2 साइन कितने रेडियन का वैल्यू होता है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में जब होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो ये तो मेरा r हो गया। और ये चीज दिमाग लगाना है कि इस जगह पर cos आना चाहिए और प्लस के बाद यहां पर जो है वो sin आना चाहिए, तो यानी कि cos कितने रेडियन का मान माइनस 1 बाय रूट 2 होगा और sin कितने का मान 1 बाय रूट 2 होगा, देखते हैं। यू अगर आप कहो तो sin 45 डिग्री का मान 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, लेकिन कॉस का नहीं होगा, कॉस का माइनस 1 बाय रूट 2 नहीं होगा 45 पे, तो जब भी होगा तो ये आर्गुमेंट जो होगा वो इक्वल रहेगा ठीक है, जब भी होगा ये जो साइन थीटा और ये कॉस थीटा है इस दोनों का वैल्यू जो होगा मेरा वो इक्वल होगा, यानी कि आर्गुमेंट जो है वो इक्वल होगा, तो ये नहीं कि एक में पावर 4 कर दो और एक में कुछ और, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये रियल पार्ट है माइनस में, तो रियल एक्सिस ये हो गया, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, तो रियल जो है वो है नेगेटिव और जो इमेजिनरी एक्सिस है इमेजिनरी पार्ट वो है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रही है और यहां पर केवल साइन पॉजिटिव होता है कॉस नेगेटिव होता है ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है, और यहां पर का जो आर्ग्यूमेंट होता है पाई माइनस थीटा, वो कितना होता है पाई माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इसमें माइनस थीटा इसमें थीटा माइनस पाई, तो बेसिकली ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट का जो आर्ग्यूमेंट है वो होता है पाई माइनस थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग ऐसा तो हम लोग कर ही सकते हैं कि इस माइनस को छोड़ दें और इसको हम लोग कर दें कॉस पाई बाय 4, ये बिल्कुल सही होगा, इसके बाद यहां भी हम लोग कर दें साइन पाई बाय 4 आयोटा ठीक है। अब ये देखना है कि साइन नेगेटिव और सॉरी कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव कहां होता है, तो कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव मेरा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और वहां पर का आर्ग्यूमेंट पाई माइनस थीटा होता है, तो अगर इसको पॉजिटिव करना है भाई तो इसको पाई माइनस थीटा कर लो और यहां पे किए हो तो आर्ग्यूमेंट इक्वल होना चाहिए, यहां भी कर दो आप पाई माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा करने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि यहां पर तो साइन ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो यहां पर ये हो गया रूट 2 इंटू कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3
थ्री पाई बाय फोर। तो ये हो गया इसका पोलर फॉर्म, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये हो गया ये पोलर फॉर्म। आप इसको जल्दी से नोट कर लें। चलिए हो गया नोट, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट आपका फाइव का टू नंबर और वो है वन प्लस थ्री आई का और अपॉन में है वन माइनस टू आई का, वन माइनस टू आई का नीचे कंप्लेक्स नंबर है तो उसके कंजुगेट से इंटू कर दीजिए। ऊपर में हो गया वन का इंटू वन, थ्री टू जा सिक्स आयोटा, इसको इससे करेंगे तो ये हो गया थ्री आयोटा और अब टू आई को पकड़ के दोनों से कर देंगे तो ये हो जाएगा टू आयोटा और ये हो जाएगा सिक्स आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन, यानी कि ये हो जाएगा माइनस वन और नीचे हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस फोर, है ना। ऊपर में ये हो गया माइनस फाइव और ये हो गया फाइव आयोटा, फाइव आई का और नीचे हो गया फाइव, कॉमन लेंगे फाइव तो ये हो गया माइनस वन प्लस आयोटा बाय फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल यानी कि माइनस वन प्लस आयोटा, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैंने क्या कहा कि शॉर्ट फॉर्म यही है कि रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो और प्लस इमेजनरी पार्ट का भी स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा रूट टू, है ना, ये आ जाएगा रूट टू। रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि माइनस वन का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर, ये हो गया रूट टू। अब मैंने क्या कहा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रूट टू से इंटू भी कर दो और रूट टू से डिवाइड भी कर लो, जिसको डिवाइड करोगे उसको अंदर ले जाओ और बाकी इंटू वाला बाहर रख लो, इसके बाद ये तो सेम ही आएगा रिजल्ट। ये माथा लगाना है कि ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय फोर, है ना, चूंकि कॉस पाई बाय फोर रेडियन का वैल्यू ही होता है वन बाय रूट टू और माइनस का माइनस यहाँ पर छूट गया बाहर में और ये हो गया साइन पाई बाय फोर और ये हो गया आयोटा। अब यहाँ से ये आपको देखना है कि कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव, ठीक है, और वो है पाई माइनस थीटा। और ये भी होता है कि यहीं पर नहीं, ठीक है, क्योंकि साइन जो है वो पॉजिटिव होता है यहाँ पर और कॉस भी यहाँ पर होता है नेगेटिव, और ये देखिए रियल पार्ट भी नेगेटिव और इमेजनरी पॉजिटिव, तो इमेजनरी पॉजिटिव रियल पार्ट नेगेटिव, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लाई भी कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो कॉस पाई बाय फोर है और वहां पर होता है आर्ग्यूमेंट का वैल्यू पाई माइनस थीटा, तो यानी कि ये हो गया कॉस और इसमें से इनके पाई माइनस आपको थीटा कर देना है प्लस आयोटा साइन पाई माइनस थीटा कर देना है, हाँ ना। तो फाइनली जो ये होगा रूट टू इंटू में कॉस थ्री पाई बाय फोर और प्लस आयोटा साइन थ्री पाई बाय फोर, ये हो गया उसका पोलर फॉर्म। आप इसको जो है वो नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए हो गया है नोट, नहीं किए हो तो बिल्कुल आपको पॉज करके नोट करना है। नेक्स्ट आपका सिक्स नंबर और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स टू नाइन तक में आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और उसको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी अपॉन थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन है पहला, है ना, हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां से आपको क्या करना है कि ए बी और सी तीनों पार्ट को जो है वो नोट कर लेना है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट और सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, ये हो गया इतना। इसके बाद ये चीज पता है कि अब यहां से एक डिस्क्रिमिनेंट होता है और वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो b का स्क्वायर करोगे तो 16 मिलेगा, 4 इंटू ए करोगे तो 3 यानी कि और c का वैल्यू 20 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल 16 माइनस 80 यानी कि ये हो जाएगा माइनस 64, है ना, माइनस 64 यानी कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा है और 0 से छोटा अगर आता है d का वैल्यू
तो मैंने बताया कि ये डी का वैल्यू अगर इससे छोटा आ रहा है जीरो से, तो यहां पर जो है एक्स का रियल रूट, इस इक्वेशन का रियल रूट नहीं आने वाला है, इसका जो है इमेजनरी रूट आएगा। तो हम लोग उसको भी निकालते हैं कि अगर डी नेगेटिव है तो फिर नाउ एक्स इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। तो यानी कि एक्स इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा माइनस बी, एक माइनस यहां पहले से है ये बदल गया प्लस में, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जो है वो आया है माइनस सिक्सटी फोर और अपॉन में टू ए, तो ये हो गया सिक्स, यानी कि ये हो गया प्लस माइनस और रूट सिक्सटी फोर को हम लोग सिक्सटी फोर आयोटा लिख सकते हैं अपॉन में सिक्स, तो ये हो गया फाइनल आपका आंसर। एक स्टेप और कर सकते हो आप, फोर प्लस माइनस ये हो गया एट आई, है ना, सिक्सटी फोर का रूट आपका हो गया एट आई और बाय सिक्स, ये भी आप कर सकते हो। एक स्टेप यहां से और जा सकता है कि यहां से आप टू को कॉमन कर रहे हो, ये बच गया टू प्लस माइनस फोर आयोटा अपॉन में सिक्स, दो से इसको काट दिए तीन बार में, टू प्लस माइनस फोर आयोटा अपॉन में थ्री, अपॉन में थ्री, तो ये हो गया इसका यहां पर इमेजिनरी रूट, पहला हो गया टू प्लस फोर आयोटा बाय थ्री, दूसरा हो गया टू माइनस फोर आयोटा बाय थ्री, ठीक है, ये हो गया इसका यहां पर दो इमेजिनरी रूट। चलिए हो गया नोट। चलिए जो चीज रिपीट हो रहा है उसको मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि रिपीट आखिर की क्या चीज हो रहा है। सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस प्लस में है आपका थ्री बाय टू, प्लस में है आपका थ्री बाय टू इक्वल टू जीरो। अब यहां पर जो है आपको ए बी सी नोट कर लेना है, तो ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन, इसका कोफिशिएंट माइनस टू, उसका वो हो गया थ्री बाय टू, बी स्क्वायर फोर हो गया माइनस टू का होल स्क्वायर फोर हो गया माइनस फोर इंटू वन इंटू सी, यानी कि थ्री बाई टू, टू से ये कैंसिल हो गया दो बार में, यानी कि फोर माइनस सिक्स ये हो गया माइनस टू, जो कि जीरो से छोटा है। तो नाउ हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, वो है एक्स इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस रूट अंडर फोर स्क्वायर माइनस फोर बी सी इज इक्वल टू बाय टू ए। तो ये एक्स अगर हम लोग यहां से निकालेंगे तो माइनस बी है, यहां पर इसको डालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टू प्लस माइनस रूट अंडर, अब इसका वैल्यू है माइनस टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का, और नीचे में है टू ए, टू इंटू वन करेंगे टू ही रहेगा, यानी कि ये हो गया टू रूट टू आयोटा बाय टू, टू प्लस माइनस रूट टू आयोटा बाय टू। तो यहां से जो है वो एक्स का बिल्कुल यहां पर दो वैल्यू निकल करके आ गया, एक हो गया टू प्लस रूट टू आयोटा बाय टू, दूसरा हो गया टू माइनस रूट टू आयोटा बाय टू, दो वैल्यू है ना, नोट कीजिए। चलिए नोट हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एट और वो है 27x² माइनस 10x प्लस 1। अब यहां पर चीजें जो है वो ए बी सी आप नोट कर लें, ए कितना है 27, बी कितना है माइनस 10, सी कितना है 1, बी का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 27 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 27 इंटू 4 और ये हो जाएगा माइनस एट, जो कि जीरो से छोटा होगा, हाँ जो कि जीरो से छोटा होगा। इसके बाद आपके पास ये फॉर्मूला है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि ये टेन हो गया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू माइनस एट है, तो ये हो गया माइनस एट अपॉन में टू इंटू ए, तो 27 × 54। अब ये देखिए ये हो गया टेन हो गया और प्लस माइनस, इसको हम लोग रूट एट आयोटा लिख सकते हैं और ये हो गया नीचे में 54 है, हाँ चूंकि माइनस रूट अंडर माइनस एट को हम लोग यू लिख सकते हैं रूट अंडर एट इंटू रूट अंडर माइनस वन, और रूट अंडर माइनस वन को हम लोग आयोटा कहते हैं, तो ये हो गया आयोटा, तो रूट एट आयोटा, ठीक है, क्लियर है ना, नोट कीजिए इसको। चलिए हो गया नोट। नेक्स्ट है नाइन नंबर 21x² 28x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। यहां से a कितना है 21, b कितना है माइनस 28 और c कितना है 10।
b का स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर करोगे आप, माइनस 28 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इंटू में सी, बहुत बड़ा ये हो जाएगा। फिर 28 का आप लोग होल स्क्वायर लोग करके देखते हैं, है ना, 784 माइनस 28 का होल स्क्वायर 784 होता है, और इसके बाद इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 48, यानी कि ये हो जाएगा 840। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि 784 में से 840 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 56। हाँ ठीक है, माइनस 56 जो कि जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है इसका इमेजिनरी रूट निकलेगा, एक्स इक्वल टू इतना होता है तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, यानी कि प्लस 28 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर, माइनस 54 है 56 ना अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 21 करेंगे तो ये हो जाएगा 42, यानी कि 28 प्लस माइनस रूट अंडर 56 आयोटा बाय 42, ये इसका निकलेगा रूट, हाँ ये निकल गया इसका रूट, नोट कीजिए। आप अगर चाहे तो यहाँ से रियल पार्ट भी आप यहाँ से अलग कर सकते हो, कितना 28 अपॉन 42 प्लस माइनस रूट अंडर 56 आयोटा अपॉन में 42। अब यहाँ से ये दो से गया 14 बार में और ये दो से गया 21 बार में, इसके बाद सर्वे जो सकती है 21, यानी कि 2 अपॉन 3 प्लस माइनस और यहीं ये रहेगा 56। 56 को यहाँ से जो है वो आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए और देखते हैं कितना होता है ये। यानी कि रूट 14 इंटू 2, 2 से ये कट गया 21 बार, यानी कि फाइनली ये हो गया 2 अपॉन 3, ये रियल पार्ट हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया रूट 14 अपॉन 21 आएगा, ये हो गया इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। आपका जो आंसर है वो कुछ इसी फॉर्म में है, नोट कीजिए। चलिए हो गया नोट। इसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, और उसमें क्या कहा गया है कि आपको Z1 दिया गया है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और Z2 दिया गया है। Z1 दिया गया है आपको 2 माइनस आयोटा, Z2 दिया गया है आपको 1 प्लस आयोटा। इसके बाद आपको यहां से फाइंड आउट करना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 इसका मॉड, ये चीज यहां से आपको फाइंड आउट करना है। तो जो चीज कहा गया है उस पर हम लोग केवल पुट कर देंगे वैल्यू को, देखते हैं क्या होता है। मॉड अंडर Z1, Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, प्लस Z2 कितना है 1 प्लस आयोटा, और एक है प्लस 1। नीचे है Z1 यानी कि 2 माइनस आयोटा, माइनस Z2 माइनस 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस से यहां पर जाएगा तो दोनों माइनस और एक है प्लस 1। आप देखिए यहां पे प्लस माइनस खत्म हो गया, ये 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 4 हो गया ऊपर और नीचे हो गया, यहां पर ये दोनों खत्म हो गया और ये बच गया 2 माइनस 2 आयोटा का मॉड, यानी कि ये हो गया 4 अपॉन 2, यहां से कॉमन कर ले तो 1 माइनस आयोटा बचेगा, 2 से ये चला गया 2 बार में, यानी कि 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा का मॉड ये रह गया। अब नीचे मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मैंने आपको कई बार कहा कि उसको उसी का कंजुगेट से ऊपर भी इंटू और नीचे भी इंटू। अब यहां पर ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, और नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये भी हो गया 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आई का स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस माइनस 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया केवल 1 माइनस आयोटा का मॉड, यानी कि कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और मॉडुलस जब हम निकालते हैं तो मॉडुलस में क्या होता है, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी ये हो गया रूट 2, ये हो गया रूट 2। ठीक है, तो फाइनली जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आपका रूट 2 है। ठीक है, कैसे किए प्रोसेस आपके सामने है, आप इसको जो है वो पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है,
और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 20 खत्म ही करने की उम्मीद है। तो यहाँ तक जो है वो प्रिपरेशन आप लोग बिल्कुल क्लियर रखिए, और लेसन 5 तक जो है वो खत्म हो चुका है अब करीब करीब, तो आप पीछे से जो है वो रिवाइज बिल्कुल आप करते आइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way.